Dear learners, assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 6.4 and I welcome you to the solution of this exercise. So this is about multiplication of matrices. तो आपने क्या करना है जी, प्रॉब्लम 1 to 8 में आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी और सी. आपने कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, जिसमें से पहली आइडेंटिटी है कि आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी से और फिर ए को मल्टीप्लाई करना है बी सी से, तो आपका आंसर सेम आना चाहिए. सो फर्स्ट इज ए बी टाइम सी. तो पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं, तो यहाँ पे जी मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम से. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान प्लस आएगा जो कि फॉर्मूले का है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस टाइम रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे जो ट्रिक यूज करनी है आपने मल्टीप्लीकेशन की, वो ये कि आपके पास जो सेकंड नंबर्स हैं, जो सेकंड एंट्रीज हैं, उनको आप बिल्कुल वैसे ही एज इट इज नीचे उतार लें और अब जो सेकंड रो है आपकी उसको लिख लें, जो कि है 0 0 और यहाँ पे भी 0 0. तो यहाँ ध्यान रखें कि सारे ही नंबर्स को आपने जो ब्रैकेट्स में रखना है, ठीक है. तो इस तरह से मैथ नहीं क्रिएट होता और ये आपका नीट नीट रहता है. 4 2 times 8 आ जाएगा, प्लस 2 2 times 4 एंड प्लस माइनस इज माइनस. 4 1 times 4 आ जाएगा, प्लस 4 2 times 8 यहाँ पे आ जाएगा 0 plus 0 एंड यहाँ पे भी 0 plus 0 आ जाएगा. तो 8 minus 4 is 4 एंड 4 plus 8 is 12, 0 0. सो दिस इज ए बी. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ सी. तो ए बी को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर तो सी आगे की तरफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने ए बी की वैल्यू पहले ही लिखनी है और सी की वैल्यू आगे लिखनी है. आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. -1 2 4 2 ये सी की वैल्यू है. अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है. नाउ मल्टीप्लाइंग हियर, आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. इस तरह से रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा 4 times 2 plus 12 times 2. अब आपको जैसे कि पहले मैंने बताया उसी ट्रिक को यूज करना है मल्टीप्लाई में. जो आपके पास सेकेंड नंबर्स हैं उनको वैसे लिख लें और जो दूसरी रो है उसको आप सीधा सीधा लिख लें, दरमियान में 0 आ जाएगा और इसका ये आंसर आ जाएगा. अब इसके बाद इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई. -4 plus 48, 4 2 times 8 प्लस 12 2 times 24, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 एंड 0 नाउ. सो विल गेट 44 32 0 0. द राइट हैंड साइड इज ए इंटू बी सी. तो यहाँ मैंने सारी मैट्रिसेस की वैल्यूज डाल दी हैं और यहाँ पे मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा दूंगी ताकि मुझे पता हो कि मैंने इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है. सो जी अब बिल्कुल आसानी से, जैसे कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया रो एंड कॉलम वाइज, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, 2 को करेंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 को करेंगे 4 के साथ. लाइक वाइज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 2 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 1 को करेंगे 2 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ये ध्यान रखना है. और यहाँ पे हम नीचे जो है जो सेकंड नंबर है उसको वैसे ही लिख रहे हैं और जो दूसरी आपके पास रो है उसको लिख लेना है आपने सीधा सीधा. -2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो हेयर -2 plus 4, 2 2 times is 4 प्लस 4, दिस इज 2 plus 4 4 times 16, दिस इज -4 plus 8. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट दिस. और इसको सम कर लेते हैं, 8 plus 36 is 44, 24 plus 8 is 32, दिस इज 0 एंड दिस इज 0. सो दिस वॉज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड. कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये प्रूव करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. तो यहाँ मैंने दरमियान में लाइन करके इसको सेपरेट कर लिया और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. देखिए आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. सो 4 multiply 2 plus 2 multiply by -2 एंड 4 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड नीचे कर लेंगे 0 को करेंगे 2 से, प्लस 0 times -2 इसी तरह 0 को 1 से, प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ जाएगा 4 2 times 8 प्लस माइनस इज माइनस, 2 2 times 4, 4 1 times is 4 प्लस 2 4 times 8, दिस इज 0 plus 0 एंड दिस इज 0 plus 0. सो अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो काइंडली आप ऑडियो सुना करें. तो 8 minus 4 is 4, 4 plus 8 is 12 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0. नाउ वी सॉल्व हियर. यू कैन सी कि यहाँ पे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं,
टू को करेंगे फोर से, प्लस वन को जीरो से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, टू को टू से, प्लस वन को करना है जीरो से मल्टीप्लाई, और ये जो है सेकंड जो नंबर्स हैं एंट्रीज हैं उनको मैं एज इट इज लिख रही हूँ, और जो सेकंड आपके पास रो है माइनस टू फोर उसको आपने हर एंट्री के साथ, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ लिख लेना है, और दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। टू फोर टाइम्स इट एट एंड वन जीरो टाइम्स जीरो, टू टू टाइम्स इज फोर प्लस जीरो, एंड हेयर इज माइनस एट प्लस जीरो, हेयर माइनस फोर प्लस जीरो। यू कैन सी वी गेट एट फोर माइनस एट फोर। अब यहाँ पे देख लें, ये ए बी का आंसर है और ये बी ए का आंसर है। सो फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस तरह से प्रॉपर स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। एट द एंड ये भी लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी और राइट हैंड साइड कौन सी थी। इस तरह से हर चीज़ क्लियर करके लिखनी है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज ए टाइम्स बी प्लस सी, सो पुटिंग वैल्यूज हेयर। सो लर्नर्स, आप यहाँ पे बी प्लस सी पहले करके ऐड करके उसके बाद उसे ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इकट्ठा लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी ताकि मुझे पता लग जाए कि यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस तरह से क्या होता है कि आपको ये अंदाजा रहता है कि आपने जो ब्रैकेट है वो कहाँ से मल्टीप्लाई करनी है, सीधा सीधा आपका आंसर आता जाता है और इसमें कोई परेशानी नहीं होती। प्लस माइनस आ जाएगा माइनस वन प्लस टू, फर्स्ट में फर्स्ट प्लस करेंगे सेकंड में सेकंड, इस तरह माइनस टू प्लस फोर करेंगे एंड फोर प्लस टू लास्ट एंट्री लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो फोर टू जीरो जीरो, टू माइनस वन इज वन, हेयर इज थ्री, माइनस टू प्लस फोर इज टू एंड दिस इज सिक्स। नाउ मल्टीप्लाई करना है आपने इसने, फोर टू को करेंगे वन टू से मल्टीप्लाई, सो फोर मल्टीप्लाई वन प्लस टू मल्टीप्लाई टू। इसी तरह फोर को हम करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, प्लस टू को करना है सिक्स के साथ मल्टीप्लाई, सो विल गेट फोर प्लस फोर इज एट, हेयर इज ट्वेंटी फोर जीरो जीरो। सो राइट हैंड साइड में हमें मल्टीप्लाई करना है ए बी को एंड देन ए सी को एंड दोनों को एड अप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल इकट्ठा ही लिख लिया, आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे जी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मुझे कमेंट आया था कि जी मैम स्किप ना किया करें, तो ये क्योंकि बेटा जी अंडरस्टूड होती हैं कुछ चीज़ें, इस वजह से मैं इनको स्किप कर देती हूँ, और इसके अलावा इस वजह से भी ताकि आप जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकें और आपको पता चले कि आपके आपको आता है या नहीं। माइनस टू टू टाइम फोर आ जाएगा, यहाँ वन प्लस फोर टू टाइम्स एट हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो। हेयर इट इज माइनस फोर प्लस एट एंड फोर टू टाइम्स एट प्लस फोर, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो कर दिया। सो एट माइनस फोर इज फोर, ए फोर प्लस एट इज ट्वेल्व, जीरो जीरो। प्लस माइनस फोर प्लस एट इज फोर, एट प्लस फोर इज ट्वेल्व, जीरो जीरो। नाउ वी एड इट अप, फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे चलें जी डायरेक्ट नहीं लिखते, कर लेते हैं ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, जीरो प्लस जीरो एंड जीरो प्लस जीरो, यू विल गेट द आंसर फोर प्लस फोर एट, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इज ट्वेंटी फोर, जीरो एंड जीरो। नाउ यू सी दिस वॉज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, सो फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर फोर इज बी प्लस सी ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। सो वी आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, सो बी प्लस सी पहले करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा दी और इसको जन ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जी आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, टू माइनस वन आएगा, वन प्लस टू, माइनस टू प्लस फोर एंड फोर प्लस टू हेयर, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है फोर टू जीरो जीरो से। सो यहाँ पे आता है वन थ्री टू सिक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फोर टू जीरो जीरो से। वैसे ही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वन को करेंगे फोर से, प्लस थ्री को जीरो से करेंगे, लाइकवाइज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई जीरो। सो वी गेट द आंसर फोर टू एट फोर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन सी द वर्किंग हेयर। राइट हैंड साइड में हमने करना है बी ए प्लस सी ए, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दोनों दोनों को एडअप कर देंगे। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, फोर टू टाइम्स एट दिस इज जीरो, टू टू टाइम फोर इज जीरो एंड माइनस टू फोर टाइम्स इज माइनस एट प्लस जीरो एंड माइनस फोर प्लस जीरो। हेयर ऑल्सो माइनस फोर प्लस जीरो, दिस इज माइनस टू प्लस जीरो, फोर फोर टाइम्स इज सिक्सटीन प्लस जीरो, फोर टू टाइम्स एट प्लस जीरो। और अब हम यहाँ पे इनको एडअप करेंगे, एट आ जाएगा फोर माइनस एट माइनस फोर एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इनके दरमियान प्लस है, प्लस का साइन, तो प्लस करना है माइनस फोर माइनस टू सिक्सटीन एट। सो यहाँ पे हम इनको प्लस करेंगे, एट माइनस फोर हो जाएगा फोर माइनस टू, माइनस एट प्लस सिक्सटीन एंड माइनस फोर प्लस एट।
So you will get the answer 8 minus 4, 4. 4 minus 2 is 2. This is 8 and this is 4. So you can see the answer of left hand side and right hand side is same. Hence proved. Question number 5 is b plus c into b minus c is not equal to b square minus c square. So taking left hand side, b plus c times b minus c. So putting values here. Okay, now adding it up and multiply. So you'll get the answers 1, 3, 2, 6. ये simple addition थी इसलिए मैंने यहाँ पे video skip कर दी है. अब आपने जैसे इनको row and column wise multiply कर देना है. जी हाँ, पे इसको row and column wise multiply करना है. 1 को करेंगे 3 से, plus 3 को करेंगे minus 6 से, इस तरह 1 को करेंगे minus 1 से, 3 को करेंगे 2 के साथ. इस तरह अब second row ले लेंगे, 2 करेंगे 3 के साथ और 6 minus 6 से multiply होगा और 2 को minus 1 से plus 6 को 2 से multiply करेंगे. तो पहले भी हमने मल्टीप्लाई क्वेश्चन किए हैं तो अब वो ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम ये दो जो एंट्रीज हैं वो सेम रख के जो रो है वो लिख लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आसानी हो जाती है. 3 1 times is 3, -3 6 times 18, दिस इज -1 plus 6, 3 2 times is 6, -6 6 times 36, एंड दिस इज 2 -1 times -2 +6 2 times 12. So you will get the answer 3 - 18 is -15. This is 5. 6 - 36 is -30, and -2 + 12 is 10. So this is the answer you get for left hand side. Now the right hand side is b square minus c square is right hand side. So b square का मतलब होता है कि b को आपने b से multiply करना है to find b square. तो b को करेंगे b से multiply तो b square आता है. b square का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको entries को square करें, ऐसा नहीं होता. b को b से multiply करते हैं तो b square आता है. तो b square करने के लिए b को b से multiply करेंगे. यहाँ पे मैंने row को column से multiply कर दिया है. यहाँ पे आ जाएगा जी 4 - 2, 2 + 4, -4 - 4, 2 times 8, एंड -2 + 16. So here you get the answer 2, 6, -12, 14. This is b square. Now find c square. और c को c से multiply कर देंगे. तो जी c square हमने find कर लिया. यहाँ पे आ जाएगा 1 + 8 is 9. This is 2, 4 and 12. So यहाँ पे मैंने इसको multiply कर लिया simplify करके. ये हमारे पास answers आ गए 2 b square और minus c square का. तो इन दोनों को हमने minus कर लेना. अब जिनको करेंगे minus 2 - 9, 6 - 2, -12 - 4, and 14 - 12. So you'll get the answer -7. 6 - 2 is 4. -12 - 4 is -16. This is 2. So you get this is left hand side and this is right hand side, which is totally different. So iska matlab hai ki left hand side is not equal to right hand side from 1 and 2. In question number 6, we got another entry, that is BC whole transpose equal to C transpose B transpose. The left hand side is BC whole transpose. पहले b को c से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ट्रांसपोज लेंगे. सो जी यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना. ये आ जाएगा -2 + 4, दिस इज 4 + 2, 2 + 4, 4 times 16, एंड दिस इज -4 + 8. सो यू गेट 2, 6, 18, -4 + 8 is 4. अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है. सो bc होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2, 6, 18, 4. इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा 2, 6, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 4. रो को कॉलम में चेंज कर देंगे. द राइट हैंड साइड इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. ये सी है, इसका ट्रांसपोज लेना है और ये बी, इसका ट्रांसपोज ले लेना है. तो आपके पास उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है. तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, आ जाएगा -1, 2, यहाँ पे 4 और ये 2 आ जाएगा. और यहाँ पे इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 2, 1 इस तरह हो जाएगा और -2, 4 आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम वाइज. ये रो है पहला कॉलम, -1 को 2 से, +4 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई. लाइक वाइज -1, -2, +4 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई. और यहाँ पे जो दूसरी एंट्रीज हैं उनको हम एज इट इज़ उतार लेते हैं. और जो दूसरा रो है हमारे पास 2, 2, उसको हमने सीधा सीधा लिख लेना है. तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये आ जाएगा -2 + 4, दिस इज 2 + 4, 4 times 16, एंड दिस इज 2, 2 times 4 + 2, दिस इज -4 + 4, 2 times 8. सो विल गेट द आंसर -2 + 4 is 2, 16 + 2 is 18, 4 + 2 is 6, एंड -4 + 8 is 4. सो विल फॉर्म 1 एंड 2, यू विल गेट द आंसर द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड. आइडेंटिटी 7 इज bi इज इक्वल टू b.
B is the matrix. We get let's take the left hand side B I. I is the identity. You will have to multiply it with B matrix. So B matrix लिखते हैं और साथ लिखते हैं identity matrix उसी order का जिस order का B है. So B matrix is 2 1 minus 2 4 and the identity is 1 0 0 1. तो ये होती है जी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी. जैसे आप नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा वही आता है, जैसे 2 1 टाइम्स 2 होता है. इस तरह जो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है जिसका आंसर मल्टीप्लाई करने से सेम आता है वो है 1001. तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 2 को करेंगे 1 से प्लस 1 को करेंगे 0 से. इसी तरह 2 को 0 से करना है प्लस 1 को 1 से. आई होप के यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस टू को करेंगे फिर दोबारा वन से, प्लस फोर को करेंगे ज़ीरो से, एंड माइनस टू टाइम्स ज़ीरो प्लस फोर टाइम्स वन. सो टू वन टाइम्स इज टू ज़ीरो. दिस इज़ ज़ीरो प्लस वन, दिस इज माइनस टू प्लस ज़ीरो, एंड दिस इज़ ज़ीरो प्लस फोर. सो विल गेट टू वन माइनस टू फोर. अगेन द बी मैट्रिक्स विच इज़ द राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड that bi is equal to b from 1 and 2. 1 इसका ये कर लें और जो 2 है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि b matrix जो है वो right hand side जो है वो b matrix है. b is equal to 2 1 minus 2 4. This is 2. So from 1 and 2 left hand side equal to right hand side. Question number 8 is you have to prove that bc is not equal to cb. तो आप left hand side b को c से multiply करेंगे row column wise. तो यहाँ पे जी मल्टीप्लाई किया और सिंपलीफाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर 2 6 18 4. अब हम करते हैं सी बी जो कि राइट हैंड साइड है. सो हेयर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन को टू से, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, प्लस टू को करेंगे माइनस टू से. दिस इज फर्स्ट, यू गेट माइनस टू प्लस माइनस माइनस, टू टू टाइम फोर. दिस इज माइनस वन प्लस फोर टू टाइम्स एट, फोर टू टाइम्स एट माइनस फोर टू टू टाइम फोर, फोर प्लस फोर टू टाइम्स एट. So we'll get minus 6, 5, 8 minus 4 is 4, and 4 plus 8 is 12. This is 1 and this is 2, which is exactly, which is not equal. You can see here, from 1 and 2, BC is not equal to CB. So from 1 and 2, left hand side is not equal to right hand side. नंबर 9 इज फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट. तो आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 2 को करना है, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, इसे मल्टीप्लाई करना है. तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा. इसी तरह यहाँ पे रो को कॉलम से करेंगे तो 2 को माइनस 1 से एंड प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 1 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 10 एंड दिस इज माइनस माइनस टू प्लस 15, टू प्लस 10 इज 12 एंड माइनस टू प्लस 15 इज 13. सो दिस इज द आंसर. सो यहाँ पे जी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका जो आंसर है वो आपको कैसे चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं. तो यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर लिख लेना है. यहाँ पे एक रो और दो कॉलम है तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2, और इसके टू रोज एंड टू कॉलम है तो इसका 2/2 इसका ऑर्डर बनेगा. सो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं अगर इनका दरमियान वाला जो नंबर है वो आपस में सेम हो, और दरमियान वाला नंबर सेम होने के बाद जो आंसर आता है वो जो लास्ट टू नंबर्स हैं उस ऑर्डर का मैट्रिक्स का आंसर आता है. जैसे आपका मैट्रिक्स का आंसर 1/2 आएगा, मतलब कि 1 रो और 2 कॉलम में आएगा. इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है उसकी रोज और कॉलम्स ठीक हैं या नहीं. सो दिस इज द ट्रिक टू चेक योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज रो एंड दिस इज द कॉलम. सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, दरमियान में प्लस आएगा. 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इसलिए ये अगला है रो माइनस 1, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज माइनस 3 प्लस 4 2 टाइम्स 8, दिस इज 1 प्लस 2 2 टाइम 4 प्लस माइनस इज माइनस 1 माइनस 4. माइनस 3 प्लस 8 इज 5 एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3. सो हेयर इज द आंसर. लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 को कर लेना है 1 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से. नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में लेंगे अब, तो 2 को करेंगे माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस 3 को माइनस 2 से कर देंगे. और यहाँ पे जी ट्रिक लगाने लगे हैं, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में क्या करना है कि आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है, जो दूसरे नंबर्स हैं उनको वैसे लिख लेना है, और यहाँ पे जो दूसरी रो है उसको आपने स्ट्रेट यहाँ पे लिख लेना है 1 2.
ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई में आसानी हो जाएगी और ये जल्दी से सोल्व हो जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 दिस इज़ 0 एंड -2 प्लस 3 2 टाइम्स 6 दिस इज़ 1 प्लस 2 0 टाइम्स 0 एंड -1 -4। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सो विल गेट द आंसर 2 4 1 -5। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में भी दो आपके वो मैट्रिसेस हैं जो कि 2 बाय 2 ऑर्डर के हैं और आपका आंसर भी ऑब्वियसली 2 बाय 2 में आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीप्लाई की शर्त है कि दरमियान वाले जो दो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और आखिरी दो जो नंबर बचते हैं उन्हीं का आंसर आना चाहिए, उसी ऑर्डर का आंसर आना चाहिए। सो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी फर्स्ट कॉलम से। सो -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से, +2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। इस तरह अब हम नेक्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 5 से एंड +2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने क्या करना है, नीचे जो सेकंड नंबर्स हैं उनको वैसे ही लिख लेंगे और जो दूसरी रो है 4 -1 उसको आपने स्ट्रेट लिख लेना है दोनों तरफ 4 -1। यहाँ पर दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा, इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। सो 3 1 टाइम्स 3 एंड -2 1 टाइम्स 2 दिस इज़ -5 3 टाइम्15 एंड +3 2 टाइम्स 6 -4 प्लस 1 एंड 4 5 टाइम 20 -3। सो हेयर 3 -2 इज़ 1, यू विल गेट 1 -9 -3 17 एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को भी जी बिल्कुल वैसे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 -2 से मल्टीप्लाई होगा और -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। इस तरह -5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 से एंड +-2 को कर लेंगे -3 से मल्टीप्लाई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। और -2 और ये 0 और यहाँ पे 1 डाल लेंगे और यहाँ -3 और यहाँ पे सेकेंड रो है 1 -3 तो इसको यहाँ पे 1, यहाँ -3, इस तरह यहाँ पे 1 और यहाँ पे -3। दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और ये बन जाएगा जी 5 -2 टाइम इज़ -10 दिस इज़ 0 दिस इज़ -5 प्लस 6 -2 प्लस 0 एंड दिस इज़ 1 प्लस 3 3 टाइम 9। सो विल गेट द आंसर -10 1 -2 10। क्वेश्चन नंबर 14 में जी आपने तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके इसके साथ कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो जी हाँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 आ जाएगा -5 के साथ, +4 आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई। एंड इसी तरह सेकंड कॉलम से करेंगे -2 -5 के साथ एंड 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हम -5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे -5 और ये 1 और यहाँ पे दूसरी हम लिख लेते हैं रो जो कि है 0 -3 और यहाँ पे भी 0 -3 एंड दिस इज़ प्लस। और जो दूसरा मैट्रिक्स है 1 -1 2 0, 0 सा कोई साइन नहीं आता, यहाँ पे गलत लगा हुआ है तो इसलिए साइन नहीं लगाना। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 10 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड +4। सॉरी लर्नर्स, यहाँ पे था 3 सो दिस इज़ 12, यहाँ पे 4 3 टाइम्स आएगा जो कि 4, यहाँ -3 आएगा तो 4 3 टाइम्स इज़ -12 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा 0 -3 एंड 0 प्लस 3 3 टाइम 9 और यहाँ पे ये बनेगा 1 -1 2 0। सो 10 प्लस 4 इज़ 14, देन 10 -12 इज़ -2 दिस इज़ -3 एंड हेयर इज़ 9 और ये आ जाएगा 1 -1 2 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके लर्नर्स, वन मोर मिस्टेक जो कि करते हैं स्टूडेंट्स वो ये के करते हैं 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह क्या होता है कि वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं और टीचर को भी कंफ्यूज करते हैं कि जी इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो अगर आप जस्ट ब्रैकेट्स लगाए ना यहाँ पे, इस तरह से आपका काम भी नीट होगा और आपको खुद को भी समझ आएगी और अगले चेक करने वाले को भी समझ आएगी, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई का साइन मिक्स हो जाता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप ब्रैकेट्स यूज करें और आसानी से इसका आंसर निकाल लें। 14 को अगले रो जो कॉलम है -1 प्लस -2 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ पे अब 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, -1 आएगा और ये 0 आ जाएगा। सो यू विल गेट द फाइनल आंसर हेयर, 14 -4 इज़ 10 दिस इज -14 15 एंड 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जी अक्सर ही आ जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जी आपने इसमें क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यूज़ ए और बी की और आपको कुछ यहाँ से इस तरह से मैट्रिक्स दिया गया है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे देखें पहले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल है 35 10 जो कि एक अलग मैट्रिक्स है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इक्वल इसके रखना है, वहाँ से आपके पास ए और बी की अननोन की वैल्यूज़ आ जाएंगी।
सो पहले हम लिखते हैं 1 5 3 A B 7। कभी भी आपने डायरेक्ट जो है क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, पहले उस क्वेश्चन को लिखें और उसके बाद जो है उसकी वर्किंग स्टार्ट करें, राइट। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो B से मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह आप दूसरा कॉलम लेंगे, सॉरी दूसरी रो लेंगे और ये वाला कॉलम लेंगे, सो 3 जो है वो B के साथ मल्टीप्लाई होगा और A जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी यहाँ पे दरमियान में प्लस आएगा, स्पेस नहीं आएगी क्योंकि एक ही कॉलम है, इज इक्वल टू 35 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। दिस इज बी प्लस 75 टाइम 35 एंड दिस इज 3B प्लस 7A इक्वल टू 35 10। अब यहाँ से आप वैल्यूज जो है वो इक्वेशंस बना सकते हैं, बी प्लस 35 इज इक्वल टू 35 आ जाएगा और जो दूसरी इक्वेशन है वो आ जाएगी 3B प्लस 7A इक्वल टू 10। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट बी इज इक्वल टू 35 माइनस 35, दैट इज बी इक्वल टू 0। अब इस बी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, 3 बी की जगह 0 पुट करेंगे प्लस 7A इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 0, 3 टाइम 0 इज 0, सो 7A इक्वल टू 10 और यहाँ से जो A है वो सेपरेट करेंगे तो 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 7, क्योंकि 0 प्लस यहाँ पे हम 0 ख़त्म भी कर सकते हैं और ये 7A इक्वल 10 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 10 बाय 7 आ जाएगा। सो लर्नर्स अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर रिपीट हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए बी होल ट्रांसपोज। पहले मेंशन लाजमी क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी है क्या, राइट। सो इसको करने के लिए पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, ए बी 2 6 7 8 पहले लिख लेना है ए और बी की वैल्यू, -1 -3 2 0। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई जैसे हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइकवाइज अब हम सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 को करेंगे -3 से प्लस 6 को कर लेंगे 0 से मल्टीप्लाई और जैसा कि मैंने पहले आपको ट्रिक बताई मल्टीप्लीकेशन की, ये आपने -1 जो सेकेंड टर्म्स हैं उनको आपने एज इट इज नीचे लिख लेना है और नंबर के नीचे नंबर लिखें ताकि आपको आसानी हो, 7 और यहाँ पे 8, दूसरी जो रो है ये 7 8 वो आपने वैसे लिख लेनी है दोनों रकमों के साथ, ठीक है जी। अब इसको आपने दरमियान में प्लस लगा देना है फॉर्मूले का और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा -2 प्लस 6 2 टाइम 12, दिस इज -6 प्लस 6 0 टाइम 0, -7 प्लस 8 2 टाइम इज 16 एंड -21 प्लस 0। सो वी गेट -2 प्लस 12 इज 10, दिस इज -6, दिस इज 9 एंड दिस इज -21। और अब आपने लेना है जी इसका ट्रांसपोज, सो टेकिंग ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू 10 -6 9 -21, इसका लेना है जी ट्रांसपोज, तो ये आंसर आ जाएगा 10 -6 9 -21। तो आपने जी पहले ट्रांसपोज इधर लाजमी लिखना है, उसके बाद ट्रांसपोज लेके दिखाना है, डायरेक्ट कोई काम नहीं करना, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो अब लेनी है जी राइट हैंड साइड जो कि है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम पहले बी ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू -1 -3 2 0, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -1 -3 2 0 और जब 2 6 7 8 का ट्रांसपोज देंगे तो ये जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, 2 6 यहाँ आ जाएगा, 7 8 इस तरह से आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है इनकी वैल्यूज को। सो बी ट्रांसपोज ये आया है और ए ट्रांसपोज ये आया, ध्यान रखिएगा कि पहले ए ट्रांसपोज नहीं रखना, अगर बी ट्रांसपोज पहले है तो पहले बी ट्रांसपोज ही रखना है, आगे पीछे आप इसको इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 7 6 8, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो जी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हम इसको यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है वो करके लिख लेते हैं, सो हेयर 2 -1 टाइम्स इज -2 प्लस 6 2 टाइम 12, दिस इज -7 प्लस 8 2 टाइम 16 एंड दिस इज -6
प्लस जीरो एंड माइनस 21 प्लस जीरो। और इसका फाइनल आंसर आपके सामने है, क्या आ जाएगा, 10, 9, माइनस 6, माइनस 21, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।